एक लंबा सांस लो, सांस रोक के रखो। आज हम वापस एक नए वीडियो के साथ आ गए हैं, जो एलएस पेन की श्रेणी में आता है, जिसे बोलते हैं एलएस पेन फ्लेक्सटेंशन एंड एक्सटेंशन यू। ये एक्सरे मोस्टली करते हैं कि जब इंसान को लोअर बैक स्पाइन में जब ज्यादा दर्द होता है और एक्सीडेंट होता है या रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके लिए एक्सरे करते हैं। बहुत डिफिकल्ट है एक्सरे करना, लेकिन मैं आज आपको इजी वे में दिखाऊंगा कि एक्सरे कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम एक्सरे रूम में आ गए हैं। हमारे पास ऑलरेडी पेशेंट डेमो के लिए तैयार है। हम आपको करके दिखाएंगे कि पेशेंट का कैसे पोजीशन लेते हैं। हमने पहले उनको स्ट्रेट सीधा पोजीशन में सुला दिया है, अब उन्हें हमारी तरफ घुमाएंगे। आप इस तरफ घूम जाइए, जरा हाफ टर्न घुमाना है, दोनों हाथ सर के बाजू में ले लेना है, घूम जाओ पूरा आप वन साइड, थोड़ा पीछे जाना है। पेशेंट को सेंटरिंग टेबल में लेना है, क्योंकि हमें ये पार्ट का करना है स्पाइन का। एक हम पहले फ्लेक्शन व्यू करेंगे। फ्लेक्शन का मतलब है फ्लाई। आप सोचोगे ना कि फ्लेक्शन क्या होता है, आप एक दिमाग में बिठा के रखिए, फ्लेक्शन मतलब होता है फ्लाई करना। फ्लाई मतलब आगे से, जैसे पक्षी उठता है कैसे होता है आगे फ्लाई करते, वैसे हम इसको वही पोजीशन देंगे, उसको फ्लेक्शन भी बोलते हैं। यहां से हमें उसको बैंड करवाना है और पैर थोड़े नजदीक लेने हैं और ऐसे। ये जो स्पाइन कोड है वो अर्ध चंद्राकार या तो चंद्राकार राउंड शेप होना चाहिए, क्योंकि ये करने से तो यहाँ पे वर्टेब्रे सारे खुल जाते हैं, आगे कंप्रेस होते हैं, तो उससे मालूम होता है कि कितने उसके वर्टेब्रे डैमेज हुए या खराब हुए। देखिए ये पोजीशन परफेक्ट हो गई, इतना नहीं होना है, यहां से ऐसे करना है। ये पोजीशन हो गई है अपना भी फ्लेक्शन व्यू। अभी इस एक दो नॉर्मल पेशेंट है करके हमें इतना पोजीशन दिया है, जब रियल में जो पेन में होते हैं, जिसको दर्द हो रहा है, वो इतना पोजीशन नहीं देगा। तो उस टाइम में क्या करते हैं फ्रेंड्स, हमें लीड एप्रोन पहन लेना है, टेक्नीशियन या असिस्टेंट को पहनाना है, और ये जो पिलो है, पिलो हमें ऐसे बैंड करना है और यहाँ पे ऐसे रख के हमें पेशेंट के यहां से शोल्डर के पीछे और यहाँ नी में हाथ डाल के ऐसे थोड़ा बैंड करना है स्लाइडली। ये करने से क्या होगा, पेशेंट अपने आप नहीं करेगा, लेकिन आप अगर उनको सपोर्ट करोगे तो हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं फ्लेक्शन व्यू। हाँ तो सर देखिए, अभी हम देखेंगे सेंटरिंग जो हमने पोजीशन दी थी, अब आप सेंटरिंग दिखाऊंगा मैं। देखिए ये जो कॉलीमीटर है हमारा, हमें थोड़ा कॉलीमेट करके, देखिए यहाँ पे मैंने सेंटरिंग किया है, ऐसे सेंटरिंग करना है ये पोजीशन में, ठीक है फ्रेंड्स। फ्लेक्शन के बाद आप देखेंगे हम एक्सटेंशन। एक्सटेंशन यू सेम उसके अपोजिट साइड करना है। हमने फ्लेक्शन में आगे था उनको कंप्रेस किया था, अभी हम पीछे की तरफ मोड़ेंगे। अभी सेम पोजीशन यहाँ पे हमें हाथ देना है, पेशेंट को सीधा बोलना है थोड़ा पीछे की तरफ मोड़िए यहाँ से, फिर यहाँ पे भी पैर से भी थोड़ा उनको बैंड करना है ऐसे। देखेंगे ये जो हुआ एक्सटेंशन मतलब बाहर निकलना है, बाहर की साइड थोड़ा पीछे की साइड बैंड करना है। अब देखेंगे ये पूरा बैंड हो गया है, ये हुआ हमारा एक्सटेंशन व्यू। अब हम सेंटरिंग देखेंगे, सेंटरिंग कैसे, ये सेंटरिंग आना चाहिए, यहाँ पे हम सेंटरिंग कर रहे हैं थोड़ा कॉलीमेटर, ये करेंगे हम कॉन डाउन व्यू की तरह करेंगे, ताकि फैक्टर अच्छा जाए तो हमारा कॉन्ट्रास्ट अच्छा है। फ्रेंड्स तो ये थे हमारा एलएस पेन का फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन व्यू। होप्स आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और हो सके तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, क्योंकि व्यूज तो बहुत सारे आते हैं, मतलब देखेंगे तो लाख हजारों में व्यूज हो चुके हैं, तो उतने जनों ने देखा है, तो अगर उतने जन भी सब्सक्राइब करते तो आज हमारे चैनल 50,000 पार कर चुकी होती, लेकिन नहीं कर रहे। तो एक रिक्वेस्ट है कि आप जैसे लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी थोड़ा जोश होगा, हमारी चैनल भी बूस्टअप होगी, बहुत सारे जन देखेंगे। तो आपसे विनती है कि आप शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।